हेलो माय ट्विन फ्लेम सोल्स, कैसे हैं आप लोग? और अभी मैं नेचर के बीच में हूँ और आप लोगों से बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ। जैसा कि आप सारे लोग जर्नी में हैं और आप सभी इनर वर्क करते जा रहे हैं, उसमें से मेरे पास एक मैसेज आया। मुझे नाम तो नहीं याद है, पर यह मैसेज था कि मैम, मैं जर्नी में बहुत आगे आ चुकी हूँ, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ये जो एक आत्मा दो जगह पर कैसे हो सकती है। अब ये मैं आपको क्या कहूँ, शायद आप इनर वर्क अच्छे से नहीं कर रही हैं, या आप ट्विन फ्लेम जर्नी को अभी तक समझ ही नहीं पाई हैं, या तो ऐसा भी हो सकता है जो मुझे लगता है कि शायद आप किसी और रिश्ते में हो और आप उसे ट्विन फ्लेम जर्नी समझ रही हो, क्योंकि अक्सर ऐसा हो जाया करता है। हमें बहुत सारी चीज़ें, आधी चीज़ें मैच होती हैं और हमें लगता है कि शायद हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। वो इतनी आसान नहीं होती है ट्विन फ्लेम जर्नी। अगर आप ट्विन फ्लेम होते और आप इनर वर्क कर रहे होते तो अब तक आपके सामने कितनी सारी सच्चाइयाँ खुद ब खुद आ चुकी होती और आप इस तरह के सवाल ही नहीं करते, या तो फिर आप इनर वर्क ठीक से नहीं कर रहे हैं। आपको बहुत अच्छे से करना है जो कुछ भी बताया गया है। और सबसे बड़ी बात है, आपने कभी भगवान को देखा है? लेकिन एक विश्वास है ना आपके मन में कि भगवान है, भगवान की पावर है, डिवाइन है। जो कुछ हो रहा है वो डिवाइन गाइडेंस से ही हो रहा है। सॉरी, मैं अभी खुले में वीडियो बना रही हूँ तो कुछ बाहर की भी आवाज़ें आ जा रही हैं, और ये मेरा लॉन है तो सब्जी वाला भी आवाज़ लगा रहा है, तो मैं बीच में थोड़ा रुक जाती हूँ, इसको निकल जाने देते हैं। तब तक आप लोग देखिए कितनी अच्छी ग्रीनरी है, तितलियाँ घूम रही हैं, ये फ्लावर्स हैं कितने खूबसूरत। ट्विन फ्लेम्स को अक्सर नेचर से बहुत प्यार होता है, क्योंकि हार्ट चक्र ग्रीन से और नेचर से बहुत कनेक्टेड होता है। तो जैसा कि मैं बता रही थी आपको कि आपको कहीं जो कंफ्यूजन हो रहा है, तो सबसे पहले तो मेरा फर्स्ट वीडियो आपको देखना चाहिए था, सारे साइन मैच करने चाहिए थे, फिर अपनी आप लाइफ की स्टोरी को समझना चाहिए था। बहुत बार क्या होता है कि आप, बहुत सारे लोग परेशान होकर आते हैं और उन्हें अचानक से लगता है कि कहीं मैं भी तो ट्विन फ्लेम नहीं हूँ, और वो अचानक से इनर वर्क करना चालू कर देते हैं। बाद में उन्हें रिजल्ट नहीं मिलता और उनको लगता है कि नहीं, पता नहीं क्या कन्फ्यूज़न। अब सब इतना बड़ा सवाल आपने किया कि एक आत्मा दो जगह कैसे बंटी हुई है। एक बात बताइए, ईश्वर का ही तो अंश हम सब भी हैं। हम सब के अंदर जो ये आत्माएं हैं, ये उनके कुछ हिस्से ही तो हैं, जो इतने हिस्सों में होकर एक अनंत साम्राज्य बना दिया है ईश्वर ने। कहते हैं ना कि हमारे हृदय के अंदर ईश्वर होते हैं, तो उसी तरह जो ऊपर की दुनिया है, आप उसके बारे में नहीं जानते, लेकिन हमें विश्वास करना पड़ता है। हम तो बीच में एक आलम्ब हैं, जीवन और मृत्यु के बीच में। मैंने कभी अर्थ क्लास में एक कविता लिखी थी और तब लिख डाला था, क्योंकि मुझे नेचर मुझे अपनी तरफ खींचता था, मुझे ब्रह्म ज्ञान अपनी तरफ खींचता था, बहुत सारी बातें, तो मैं आप लोगों को सुनाना चाहूँगी थोड़ा समझाने के लिए। वो कविता थी, आदि है कोई ना जान सका। आदि क्या है, यानी बीता हुआ। आदि क्या है कोई ना जान सका, फिर अंत के विषय में संभाषण कैसा। जो आपका प्रश्न है उसका यह उत्तर है। क्या आपको पता है कि आपने कितने जन्म लिए हैं, या आप कहां से आए हैं, या आपकी आत्मा कहां से आई है? जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में पूरी तरह जाएंगे, इनर वर्क करेंगे, तो आपको अपने आप से ये चीजें पता चलने लग जाएंगी कि हम क्यों आए हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारा सोल पर्पस क्या है, हम यहां अभी क्या कर रहे हैं, आगे क्या करेंगे। तो अगर जो कंफ्यूज हैं वो इन चीज़ों के अंदर जा ही नहीं पाए हैं, इसे समझ नहीं पाए हैं, तो मैं अपनी कविता पूरी करूँगी। आदि क्या है कोई ना जान सका, फिर अंत के विषय में संभाषण कैसा। इकाई तो इकाई है, ईश्वर, उससे अनंत का आकलन कैसा। उनका अंश सभी के अंदर है,
उनसे आनंद का आकलन कैसा। आज लोग इतना बदल रहे हैं, देखिए कोरोना वायरस फैला हुआ है, उसके अलावा इतनी विकृतियां हो गई। जब पाप बढ़ता है ना, जब जीवन ही विध्वंस के पथ पर, फिर मृत्यु पर शोक कैसा। क्या है अस्थि, कब हुई प्रशस्ति, अबोध है आलंब, अबोध है आलंब। तो हम जो मनुष्य हैं, जो 3D वर्ल्ड में जी रहे हैं, वो इस जीवन मृत्यु के बीच का आलंब है, और वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर रहे। जो कुछ भी चल रहा है या आपके जीवन में घट रहा है, हाँ अगर आप दिव्य आत्मा हैं, आप ट्विन फ्लेम हैं, तो आपको अब तक इनर वर्क के जरिए समझ जाना चाहिए था कि ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं। आप समझिए, और अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको अध्यात्म के अंदर और अधिक जाना होगा। जब तक आपकी आध्यात्मिक अवेकनिंग नहीं होगी, तब तक आप इन बातों को नहीं समझ पाएंगे। आप 3D वर्ल्ड में जीते रहेंगे तो कभी कभी आप थोड़ा सा ऊपर में आएंगे, आपका वाइब्रेशन हाई होगा, जब आप मेडिटेशन करेंगे, आप इनर वर्क करेंगे, सारी चीज़ें बढ़ेंगी। लेकिन उसके बाद क्या होगा कि कुछ दिन में आप फिर 3D वर्ल्ड में आ जाएंगे, आप नीचे आ जाएंगे, और फिर आप इसी दुनिया वाली बातें करने लगेंगे कि मुझे ये समझ में नहीं आता है। 50 क्वेश्चन आएंगे आपके दिमाग में कि क्यों, जैसा कि मेरे सामने एक प्रश्न आया कि ये एक सोल दो जगह पर क्यों बट जाती है। सारी सोलें ही तो बटी हुई हैं, जैसा कि आपने देखा किसी किसी को ना जुड़वा बच्चा पैदा होता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि एक के साथ जो घटना होती है वो दूसरे से भी कनेक्टेड होती है, तो वो जुड़वा अलग होता है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत ऐसी ही होती हैं। तो ईश्वर ने हमें, क्योंकि जब जब धरती पर पाप बढ़ेगा, लोगों के अंदर भावहीनता बढ़ेगी, क्रूरता बढ़ेगी, तो प्रेम जो शाश्वत है, जो सत्य है, उसके लिए ईश्वर ने ट्विन फ्लेम को बनाया, दो आत्माओं को अलग किया, जिससे वो मिलन के लिए पहले मिलाते हैं फिर अलग करते हैं। ये सारे फेजेस क्यों आते हैं हमारे लाइफ में, क्योंकि हम खूब सारी तकलीफ़ों को समझेंगे, तो हम जब तकलीफ़ों को समझ पाएंगे तो हम दूसरों को गाइड कर सकेंगे, दूसरों को रास्ता दिखाएंगे। ट्विन फ्लेम सिर्फ अपनी ज़िंदगी जीने के लिए नहीं आते हैं, ट्विन फ्लेम्स आते हैं इस अर्थ पर एनर्जी देने के लिए। दोनों क्यों मिलते हैं, जब दोनों अलग अलग होंगे तो दोनों ही आध्यात्मिक अवेकनिंग होगी, आध्यात्म की तरफ बढ़ेंगे, उन्हें ज्ञान होगा, और वो धीरे धीरे अपने ज्ञान को बांटेंगे, लोगों के लिए बहुत सारा काम करेंगे। और जब ये दो गोल्डन सोल मिलेंगे, जब रीयूनियन होगा, तब अर्थ को बहुत सारी एनर्जी मिलेगी अनकंडीशनल लव की। यह अनकंडीशनल लव क्यों है, अगला आपको ब्लॉक कर दे रहा है, आप मिल नहीं पा रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नहीं है, उसके बाद भी आपके साथ क्या होता है, कुछ भी वो बंदा आपके साथ कर दे, लेकिन आप उसे प्यार किए ही जा रहे हैं, आप उसे माफ़ किए ही जा रहे हैं। तो हमारे ही अंदर इंसान शैतान दोनों होते हैं। तो ये जो दो पार्ट हैं, एक डिवाइन फेमिनिन, एक डिवाइन मैस्कुलिन, तो जब तक हम दोनों की एनर्जी बैलेंस नहीं होगी, यानी कि जो हमारे चक्राज हैं वो हमारे ट्विन से कनेक्टेड होते हैं, वो जुड़े रहते हैं, जितनी ज़्यादा हम इनर वर्क करेंगे, हम मेडिटेशन करेंगे, तो उनकी नेगेटिविटी कम होगी, उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी। अगर हम अपना रूट चक्रा का ध्यान करेंगे तो उनका रूट चक्रा जागृत होगा। हम जितने जितने अपने चक्रास को ठीक करते जाएंगे, उतनी उतनी उनके अंदर से विकृतियाँ दूर होती जाएंगी, निगेटिविटी दूर होती जाएगी, क्योंकि जितना हम बैलेंस होंगे उतने ज़्यादा वो अनबैलेंस होते हैं। इसलिए इन दो सोल्स को बैलेंस और अनबैलेंस करने का खेल ईश्वर ने इसलिए बनाया है कि हम इन चीज़ों को समझ सकें, और लोग भी जो ट्विन फ्लेम्स नहीं हैं वो भी इस बात को समझें कि हमारे ही अंदर दो तरह की एनर्जी हैं, दो तरह के कलर हैं, दो तरह की चीज़ें हैं जिसे हमें बैलेंस करना चाहिए। और आज देखिए, जैसे ही इस यूनिवर्स में चीज़ें अनबैलेंस क्यों हो रही हैं, अभी आपको लग रहा होगा कि कोरोना वायरस फैला, लोग मर रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ही अगर टोटल मिला के देखें, जब लोग गाड़ियां लेके रास्ते पे निकल जाते थे, सारी चीज़ें हो रही हैं, तब कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, कितने मर्डर हो रहे हैं, कितनी चीज़ें हो रही हैं। और इन सब के साथ साथ जो मृत्यु दर थी वो ज़्यादा थी, अभी बीमारियाँ ज़रूर हो रही हैं, तो यूनिवर्स या पृथ्वी भी अपनी चीज़ों को अपडेट करती है, उसको बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है।
जैसे कि आपका फ़ोन गड़बड़ हो जाता है, उसमें कितने सारे वायरस आ जाते हैं, सारी चीज़ें आती हैं ना, तो फिर आपको फ़ोन को अपडेट करना पड़ता है। वैसे ही पृथ्वी ने, अर्थ ने चीज़ों को अपडेट किया है। जो कुछ हो रहा है वो होना था, वो हमारी ही गलतियां हैं, हम मनुष्यों की गलतियां हैं जिसकी वजह से डिवाइन को ऐसा करना पड़ा है। और हम जितने ट्विन फ्लेम्स हैं, हमारी ड्यूटी बनती है कि अब हम अपनी एनर्जी से मेडिटेशन करें और एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश करें। देखिए, आपको दिख रहा होगा मेरे गार्डन में कितनी सारी लीची लगी हैं, फ्रूट्स लगे हुए हैं। ये मैं गार्डन आपको क्यों दिखा रही हूँ कि आपके हार्ट चक्रा से आप कनेक्टेड हों और मेरी बात को आप समझ सकें। इसलिए मैं आज ग्रीनरी में, और डिवाइन ने भी आज मुझे बोला कि जो मैसेज देना है वो मैं ग्रीनरी में आके, क्योंकि मैं उन्हीं सब चीज़ों की बातें कर रही हूँ, तो आपसे मैं इससे कनेक्ट होके, हार्ट चक्रा से कनेक्ट होके बातें आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ। तो आपको ये समझना होगा कि जो आपके अंदर क्वेश्चन है, आप स्वयं अनबैलेंस हैं, इसीलिए आपको सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं, आप समझ नहीं पा रहे। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आप एक दिव्य सोल ट्विन फ्लेम हैं या नहीं हैं। आप एक नॉर्मल 3D वर्ल्ड के आम इंसान हैं। आम इंसान की भी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन ईश्वर की जो एक सेना है उसमें से बहुत सारे लोगों को भेजा है उन्होंने, अर्थ एंजल डिवाइन ने, ट्विन फ्लेम यानी कि अर्थ एंजल हैं, उन्हें अर्थ पर भेजा गया है बहुत कुछ करने के लिए। और अगर आप ट्विन फ्लेम हैं तो अब तक आपको कन्फ्यूज़न में नहीं रहना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न है तो मेरे चैनल पर जाइए, दूसरे वीडियोस को अच्छी तरह से कई बार सुनिए और समझिए बातों को, ठीक है। और जो ट्विन फ्लेम्स बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क करते जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जिनकी वाइब्रेशन हाई है, मैं उनके लिए कहना चाहूँगी कि आप लोगों के लिए एक नया मैसेज है कि अब जब आप ट्विन मेट योर ट्विन मेडिटेशन में जाएंगे, तो मैंने जैसा कि कहा था कि कुछ अलग एक्सपीरियंस होते हैं तो मुझे शेयर करें। जैसे मेरे साथ एक अलग एक्सपीरियंस हुआ, मुझे लगा जब मैं गई, जब पूरे ब्रह्मांड में रोशनी हो गई, उसके बाद मुझे फील हुआ कि जैसे मुझे कुछ मेरे पिछले जन्म, या कैसे, जैसे स्टोरी होती ना कोई राजा महाराजा के ज़माने की, या कुछ भी, कुछ फ्लैशेस से आ रहे थे, क्लियर समझ में नहीं आ रहा था। कुछ तो कनेक्शन है चीज़ों का, मुझे पता चला कि मैं एक बहुत पुरानी सोल हूँ और शायद इसीलिए भगवान ने मुझे चुना। और इस जन्म में मैं काफ़ी टाइम से शायद प्रयास कर रही थी, मैं हमेशा अपनी लाइफ में यही चाहती थी जब मेरी अवेकनिंग नहीं हुई थी, कि भगवान कुछ ऐसा करो जिसमें मैं लोगों के चेहरे पर खुशियां दे सकूं, उन्हें एनर्जी दे सकूं, उनके लाइफ में उनकी हेल्प कर सकूं। तो मैं इतनी कैपेबल नहीं थी कि मैं सबकी, सारी दुनिया की हेल्प कर सकूं, लोगों की मदद कर सकूं। तो भगवान ने मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की, और आज मैं अगर आप लोगों को गाइड कर रही हूँ, कुछ समझाने की कोशिश कर रही हूँ, इस रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रही हूँ, तो आप लोग समझिए और आप भी आगे बढ़िए। तो मैंने आपको बताया कि मीट योर ट्विन में मैंने बहुत सारे फ्लैशेस देखे, तो अब मुझे बहुत कुछ पता चलने लग गया है धीरे धीरे, जितना आगे बढ़ रही हूँ जर्नी में। जो लोग ठीक से नर्वक नहीं कर रहे हैं, उनके साथ नहीं होगा ये सब कुछ, आपको बहुत मेहनत करनी होगी। ये नहीं कि आप बैठे बस थोड़ा थोड़ा लम यम कर लिया, नहीं, 2-3 मिनट ध्यान लगा के कीजिए, कलर्स को फील कीजिए। ये देखिए, ये कलर है आपके स्वाधिष्ठान चक्र का, और ये ग्रीन कलर है आपके हार्ट चक्र का, और देखिए इसमें कितनी तितलियां उड़ रही हैं। तो जो मैं कह रही थी आपको, मीट योर ट्विन में क्या करना है कि अब जब आप जाएंगे, आप अपने ट्विन से मिलेंगे, मिलिए, बात करिए, हीलिंग करिए, उसके बाद आपको ये भी कहना है कि हम दोनों, आप दोनों जो हैं, उनके जो खानदान में या किसी परिवार में किसी ने कुछ बुरा किया था, और कभी कभी श्राप भी मिलता है, तो दोनों खानदान में अगर कोई श्राप है जिसकी वजह से बहुत सारी विकृतियां उनके खानदान में चली आ रही हैं, तो आप कहेंगे हम दोनों के खानदान में जो कुछ भी कर्ष है, जो कुछ भी श्राप दिया है जिन सोल्स ने, हम उन सोल्स से क्षमा चाहते हैं, दोनों मिलकर पूरे परिवार, पूरे खानदान की तरफ से क्षमा चाहते हैं। आप कहेंगे क्षमा क्षमा क्षमा, आप बहुत सारी क्षमा मांगेंगे, आप उन सारी सोल्स को थैंक यू बोलेंगे जिन्होंने किसी भी जन्म में आपको कभी गाइडलाइन दी है, आपको लाइट दी है। देखिए ट्विन फ्लेम्स, ये देखिए जुड़वा तितलियां एक साथ, देखिए आपने,
ये साइन है ट्विन फ्लेम होने का, ये गाइडेंस मिल रही है। देखिए हम आपसे बात कर रहे हैं और सामने तितलियों का जोड़ा मेरे सामने आ गया, ये देखिए तितलियाँ घूम रही हैं। हाँ तो मैं आपको बता रही थी आपको क्या करना है। आपको मेडिटेशन में ये कहना है कि जितने तत्व हैं, अगर हमने या जीव जंतु हैं हमने कभी गलती की है तो हमें क्षमा कीजिए और हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। सभी देवी देवताओं से आप क्षमा मांगिए और उनका आभार व्यक्त कीजिए, ये करना है आपको। और आपको अपने दोनों के खानदान के विषय में जो कभी श्राप मिला है उसके लिए बात करनी है, उसके लिए कहना है, क्षमा मांगना है। और ये भी कहना है कि जिन लोगों ने हमें किसी भी जन्म से लेके अभी तक कभी भी हर्ट किया है, तकलीफ दी है, हम उन्हें भी क्षमा करते हैं और ईश्वर आप उन्हें भी अपना आशीर्वाद दीजिए। किसी के लिए भी आपको मन में सबसे पहले कुछ भी गलत लाना ही नहीं है, कुछ भी गलत नहीं लाना है। तो ये बोलना है आपको। और अब आपको ये बोलना है, जब आप हार्ट चक्र का मेडिटेशन करेंगे आप ये फील कर रहे होंगे कि आपके हार्ट चक्र से निकल के ग्रीन कलर की रोशनी जा रही है आपके ट्विन के हार्ट में, तब आप कहेंगे, अभी तक आप कहते थे कि, अब आप ये कहेंगे, तुम मैं हूँ, मैं तुम में हूँ, हम एक ही तो हैं, हम खुद से बहुत प्रेम करते हैं, हम खुद से बहुत प्यार करते हैं। आप अब ऐसा कहेंगे, आप कहेंगे हम दोनों एक साथ बहुत पॉजिटिव हैं, हम दोनों एक साथ बहुत अबंडेंस में हैं, हम दोनों बहुत खुशियों के साथ हैं और हम ईश्वर का दिया हुआ सोल पर्पज़ एक साथ पूरा कर रहे हैं, हम अपना सोल मिशन पूरा कर रहे हैं, जो डिवाइन ने हमें रास्ता दिखाया है हम उस पर आगे बढ़ रहे हैं। आपको ये कहना है। और आपको ये भी कहना है कि हमारा यूनियन हो चुका है, हम दोनों का भी नहीं बोलेंगे, एक ही बोलेंगे, बोलेंगे हमारा यूनियन हो चुका है। और फिर देखिए आप बहुत तेजी से अपनी यूनियन की तरफ बढ़ेंगे। ये था मेरा आज का मैसेज कि अगर जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं इस जर्नी में कहीं पर भी, तो आपकी परीक्षाएं चल रही हैं, आपकी डिवाइन परीक्षा ले रहे हैं, आपको घबराना नहीं है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि जब हम किसी सच्चाई के रास्ते पर, अच्छाई के रास्ते पर बढ़ रहे होते हैं, डिवाइन के रास्ते पर बढ़ रहे होते हैं, तो बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज़ आपके परिवार वालों के अंदर आ जाएंगी, आपके आसपास के लोगों के अंदर आ जाएंगी और आप पे अटैक करेंगी। तो जो नेगेटिविटी है इससे आपको बचना होगा, आप बचिए इन चीज़ों से और बहुत अच्छे से इनर वर्क कीजिए। जैसा कि मैंने चक्रास बताए हैं, मैंने मेडिटेशन बताया है, आपको ये सारा कुछ करना है और आगे चल के आप दोनों को यूनियन के बाद इस अर्थ के लिए बहुत कुछ काम करना है। तो ये था मेरा आज का आप सभी के लिए मैसेज। अगर कोई बात और है तो आप इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। ध्यान से पूरी वीडियो को सुनिए और देखिए, गार्डन में इतनी ग्रीनरी है, ऐसे ही आप सभी को पेड़ पौधे लगाने चाहिए, हरे भरे माहौल में रहना चाहिए और डिवाइन की जो गाइडेंस है, एंजल आपको टाइम टाइम पर गाइड कर रहे होंगे। वाह क्या बात है, देखिए शंख की आवाज भी आ गई। घर में मेरी भाभी पूजा करती हैं और वो शंख बजाती हैं, मैं तो नहीं बजा पाती अभी। देखिए चलिए, शंख की आवाज़ के साथ ही डिवाइन का मैसेज आपको मिल रहा है। और अब आप मेरे साथ कहिए और बोलिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।